ट्रक वाला इसकी ब्रेक फेल है बोल रहे हैं, लेकिन वो पीछे से मेरे को हिट करता आया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी की बात करें तो हम नरवाल सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ये ड्रोन में एक स्कूटी देख रहे होंगे जिसकी खस्ता हाली हो चुकी है, और वजह यह है कि एक ट्रक ऊपर से आ रहा था, शायद वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और वो यहाँ से लेकर गाड़ियों को घसीटते हुए सामने की, अगर आप तस्वीरें देखें सामने आपको रेहड़ियाँ दिख रही होंगी, गाड़ियाँ सामने दिख रही होंगी, इन गाड़ियों को कुचलते हुए काफ़ी आगे जाके पहुँचा है और काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं इस ट्रक की वजह से कुचली गई हैं। अब नुकसान तो जाहिर सी बात है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। ये गाड़ी की हालत आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी भी नाली में गिरी हुई है यहाँ पर, और साथ में एक और गाड़ी आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे जिसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। ये एक ट्रक जो ड्राइवर के काबू से बाहर हुआ और सीधे जाके इन गाड़ियों से टकराया, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां कुचली हैं। आगे भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर ट्रक भी जो है एक तरफ गिरा हुआ है। गाड़ियों को कुचलते हुए ये ट्रक जो है यहां पर आ पहुंचा है। ये तस्वीरें आप इस ट्रक की देख रहे हैं और सामने अगर देखें तो एक जो है कार को भी इसने यहाँ पर कुचला है, और वो कार अभी यहीं पर, गाड़ी जो है यहीं पर अभी मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें हैं। इस ट्रक का नंबर क्या है, सामने वाली नंबर प्लेट तो है नहीं, ये पंजाब नंबर का ट्रक है, PB02AH9857। ये ट्रक का नंबर है, और कितनी गाड़ियां इस ट्रक की वजह से कुचली गई हैं उनकी वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। ऊपर से देखते हुए हम भी आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो इस ट्रक की वजह से कुचली गई हैं। अब कारण तो यही हो सकता है कि ड्राइवर के आपे से गाड़ी बाहर हो गई होगी या ब्रेक फेल हुई, तो उसी ब्रेक फेल होने की वजह से ये इतना बड़ा जो है वो हादसा पेश आया। अब इन गाड़ियों में कितने लोग थे वो तो अभी तक पता नहीं चल पाई है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सामने गाड़ी है, इसके ओनर से बात करते हैं। सर क्या मसला हुआ है? सर ये ट्रक वाला इसकी ब्रेक फेल है बोल रहे हैं, लेकिन वो पीछे से मेरे को हिट करता आया हुआ है जी। तो वहीं से घसीटता हुआ मेरे को काफ़ी दूर तक लेके आया, फिर यहाँ पर मेरी गाड़ी आके रुकी है, फंसी एक तरीके से, तो ये भी ट्रक पीछे आकर रुक गया। पीछे भी काफ़ी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कोई आदमी वगैरह जख्मी हुआ या सब उसका पता नहीं मेरे को, मैं तो आगे आगे आ रहा था, पीछे का मेरे को पता नहीं है। चलो अच्छी बात तो ये है कि जान जो है बच गई है, कुछ किसी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी जो हैं वो मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार भी मौजूद हैं। अब इस गाड़ी का नंबर क्या है, ये गाड़ी जो है गाड़ी का नंबर JK02BU9096, ये इस गाड़ी का नंबर है, और ट्रक जो है ये पंजाब नंबर का ट्रक है। जिस तरह से इस गाड़ी के ओनर ने कहा कि ब्रेक फेल का कारण हो सकता है, यही बताया गया है अभी तक, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या ड्राइवर को, जो ट्रक ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट दिखाएंगे साफ तौर पर, PB02H9857 इस नंबर का ट्रक है, जो लोडेड भी है, शायद इसमें कुछ सामान भी डाला हुआ है। और जो गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि ये पीछे से ही गाड़ियों को कुचलते हुए आ रहा था, मेरी गाड़ी इसके आगे लग गई और लास्ट पे आके यहाँ पर ये ट्रक रुक गया। एक मेटाडोर भी सामने खड़ी है, इस मेटाडोर को भी नुकसान हुआ है। इस तरफ अगर देखें तो लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जो गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं, उन्हें जो है यहां से निकाला जा रहा है। और इस तरफ की तस्वीरें देखें तो काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया है। पीछे तक अगर आप देखें तो अब ये रूट जो है वो तब्दील कर दिया गया है, और जो भी यहां से आ रहा है उन्हें वापस दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप बिल्कुल नरवाल में जो सब्ज़ी मंडी है उसके सामने की देख रहे हैं, जहाँ पर जो है कुछ एक ट्रक की वजह से काफ़ी गाड़ियां जो हैं हादसे का शिकार हुई। इस एक्सीडेंट का कारण जो है वो ब्रेक फेल बताया जा रहा है। यहां पर जम्मू और कश्मीर पुलिस के अहलकार भी मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी मौजूद हैं। अभी जो है इन गाड़ियों को यहां से उठाया जा रहा है, इन्हें यहां से हटाया जा रहा है, और इसी के चलते जो इस रूट पर जितनी भी गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं उन्हें जो है वापस भेजा जा रहा है और दूसरे रूट से आने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप सिर्फ सीधे इस वक्त जो है नरवाल सब्जी मंडी के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर एक ट्रक की ब्रेक फेल होने की वजह से काफ़ी गाड़ियां जो हैं इस हादसे की जद में आई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ।
काफ़ी माली नुकसान जो हुआ है, लेकिन जानी नुकसान की कोई भी इतला अभी तक नहीं मिली है। यहाँ से जो है जितनी भी इस रूट पे बाइक वाले आए हैं या गाड़ियों वाले आए हैं, उन्हें सीधे वापस भेजा जा रहा है और दूसरे रूट से आने की के लिए जो है वो कहा जा रहा है। 4 से 5 गाड़ियाँ जो हैं इस हादसे की जद में आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई भी जानी नुकसान की अभी तक जो है इतला नहीं मिली है, कोई भी जानी नुकसान जो है इस हादसे में नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें आप सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने से देख रहे थे, जहां पर एक ट्रक जो है ड्राइवर के काबू से बाहर हुआ और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, काफ़ी गाड़ियाँ इस ट्रक की वजह से कुचली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान की अभी तक जो है खबर नहीं मिली है, और ये भी खबर नहीं पता चल पाई है कि क्या ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया या नहीं। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।